मुबारक हो तुम लोगों ने उस वीडियो पे क्लिक कर लिया जिसकी मदद से तुम लोग 4x4 को बिल्कुल 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हो। भाई आज की वीडियो में हम इस दुनिया का सबसे आसान 4x4 का ट्यूटोरियल तुम्हें देने जा रहे हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा भाई, मैं आज तक पता नहीं कितने लोगों को 4x4 सिखा चुका हूँ और उन्होंने मुझे कहा भाई हमें कहीं से और समझ नहीं आई, सिर्फ तुम से ही समझ आई है। तो बस यार तुम लोग एक दफ़ा ये वीडियो देख लो और तुम लोग भाई मुझे पता है ना तुम लोग बड़ा कमाल का कमेंट करने वाले हो। खैर सबसे पहले हम देंगे एक ओवरव्यू, बट उससे पहले मैं बता दूँ तुम लोगों को हर हाल में 3x3 को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इस क्यूब को पहले सीखो। अच्छा तुम लोगों ने 3x3 सीख लिया, अब क्या, अब देंगे हम इसका एक ओवरव्यू कि हमने सबसे पहले आखिर इसमें करना क्या है। सबसे पहले हमने बनाने हैं इसमें सेंटर्स। ये तुम लोग देख सकते हो चार चार कलर हर जगह पे सेम है, छः की छः साइड्स पे। अच्छा सेंटर्स हमने ऐसे ही नहीं बना देने के भाई जो हमारे हाथ सेंटर आया हमने बना देना है, बल्कि हमने सेम 3x3 की टॉप में अगर वाइट है तो टॉप में वाइट है, उसके नीचे येलो है, यहाँ पे ब्लू है, अगले साइड पे ऑरेंज है, उससे अगले साइड पे ग्रीन है, उससे अगले साइड पे रेड है, छः रंग है। क्या तुम लोग छः रंग भी याद नहीं कर सकते यार, क्या तो फिर क्यों क्यूब लेकर ही क्यों आए हो अगर छः रंग भी नहीं याद होते। जाओ तुम्हें एक टेक्निक बता देता हूँ ये रंग कैसे याद करने हैं। वाइट के अपोजिट येलो है, येलो के अपोजिट वाइट है, बस इतना याद रखना है तुम लोगों ने। अब मैं बताता हूँ तुम लोग बाकी कैसे याद रखोगे। वाइट सबसे पहले तुम लोग सेंटर पीसेस में बनाते हो, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हो, कोई एल्गोरिथम नहीं है, तुम लोग देख के ही समझ जाओगे। जब तुम लोग वाइट सेंटर पीस बनाते हो तो उसके अपोजिट तुम लोग बनाते हो येलो, जैसे वाइट के अपोजिट बनाया येलो, उसके बाद तुम लोग वाइट को इधर और येलो को इधर कर देते हो। बट अगर येलो टॉप में हो तो मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, ये कौन सा कलर है, ग्रीन, यानी कि जी नहीं लिखने की नहीं जरूरत, तुम लोग अब बड़े हो गए हो याद कर लोगे, जी। ऑरेंज यानी कि ओ, ब्लू यानी कि बी, रेड यानी कि आर। अब देखो जी ओ बी आर, गोबर। यार इससे आसान चीज़ क्या है दुनिया में, अगर येलो टॉप में हो तो गोबर हमारी कलर स्कीम है, ग्रीन ऑरेंज ब्लू रेड। अगर ऐसे देख लो, चलो ऐसे देख लो, येलो हमारे राइट साइड पे है, तो अब देखो ग्रीन ऑरेंज ब्लू रेड गोबर, जी ओ बी आर, येलो हमारे राइट साइड पे। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो हमारी गोबर कलर स्कीम बन रही है। सेंटर्स कैसे बनाने हैं भाई हमें ये बता दो, वही बताने लगे हैं भाई, जितना स्क्रैम्बल कर दिया ना इतना कभी नहीं स्क्रैम्बल किया। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे चलो इसको भी स्क्रैम्बल कर देते हैं। अब नोट करना, यहाँ पे एक सेंटर पीस है सेंटर में, जबकि यहाँ पे चार है, हर तरफ से देख लो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे चार है। तो हमने सबसे पहले इन चार चार को एक एक में बदलना है, जैसे हम वाइट का सेंटर पीस पूरा बनाना चाहते हैं भाई, जैसे एक ये है वाइट, एक ये है, तो तुम लोगों को पता है अगर तुम लोग इसको ऐसे ऊपर करके इससे अटैच करो तो एक बार बन जाएगी, क्या मुश्किल था इसमें बताओ। अब एक और बार बना के हमने इसके साथ लगाया, अच्छा एक ये है, चलो हम इसको ऐसे अटैच कर देते हैं। अब एक आखिरी लगाना है, आखिरी वाला लो ये रहा। अब इसमें क्या मुश्किल है, अगर ये एक ऐसा एल आपको मिलता है, ठीक है, ऐसे 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 किसी तरह भी हो सकता है, आप लोग इसको एक एल बनाओ, मतलब एल ऐसे तो नहीं लिखते ना, ऐसे लिखते हैं ना, एल बनाओ। और जो यहाँ पे बाकी दूसरा बचा हुआ एक वाइट का सेंटर है उसको आप लोग रखो इस तरफ, जिस तरफ ये एल की लाइन है उधर नीचे। अब इसको इससे आप लोग ऐसे अटैच कर सकते हो, यू प्राइम करके इंसर्ट कर दोगे, वाइट का सेंटर पीस बन गया यार। मैंने क्या बताया था, मैंने कुछ बताया था वाइट का सेंटर पीस बनाने के बाद हम बिल्कुल उसके अपोजिट येलो सेंटर पीस बनाएंगे, तो बनाने लगे हैं ना। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको ऊपर इंसर्ट करेंगे। अच्छा हमने ऊपर इंसर्ट किया तो भाई वाइट खराब हो रहा, कोई बात नहीं, इसको एक दफा साइड पे करके उसको नीचे कर दो, वाइट भी सॉल्व हो गया, टॉप पे एक येलो सेंटर पीस भी आ गया। अब ये मैं ऊपर चाहता हूँ कि इसकी एक बार बना सकूँ पूरी, तो कैसे, मुझे एक ऐसी सिचुएशन में रखना पड़ेगा कि जब मैं इसको ऊपर करूँ
तो ये एक बार बने, मतलब अगर ये यहाँ पे होता तो ऊपर करता तो वो तो पता नहीं कहाँ छुप जाता ना। तो मैं इसको एक ऐसी सिचुएशन में रखूँगा कि जब मैं इसको ऊपर करूँ तो ये एक बार बन जाए। अब ये ख़राब हो रहा है ना, तो कुछ नहीं, हमने इसको सेव करना है इस तरफ और इसको ठीक कर लेना। क्या था मुश्किल यार। अब ये है मेरा अगला पीस, तो मैं इसको ऊपर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पूरी बार को इस वाली पोजीशन में लाऊंगा, मतलब ये इधर है ना, इस जगह पे, तो इस बार को भी इस जगह पर लेकर आऊंगा। ये लो मैं ले आया। अब इस पीस को मैंने ऊपर करना है, ये ख़राब हो रहा है, तो इस पीस को एक दफ़ा साइड पे करेंगे और जब नीचे करेंगे तो वो हो गया ना। और अब एक आखिरी रह गया, मैंने तुम लोगों को बताया था आप लोगों ने एक एल बनाना है, ठीक है। एल बनाने के बाद ऐसे होगा तो आप लोगों ने इसको एल में कन्वर्ट करना है। अब इस पीस के साथ इसने कनेक्ट होना है, तो मैंने बताया था कि आप लोगों ने सेम ऐसी सिचुएशन में रखना है। ये नीचे है ना, तो इसको भी नीचे रखेंगे कि जब मैं इसके साथ इसको कनेक्ट करूंगा, ये ऊपर वाले को कनेक्ट किया। अब इसको मैंने, क्योंकि जब हम कनेक्ट कर रहे थे ना, तो ये वाइट वाला भी तो हमारा पीछे आ गया ना यहाँ पे, तो अब इसको हमने इस तरफ करना जहाँ जाना और ऊपर करेंगे तो येलो भी बन गया, वाइट भी बन गया। बस बहुत हम बात, इसी तरह हमने बाकी सेंटर पीसेस बना लेने हैं। मैंने तुम लोगों को कहा था जब ये दोनों सेंटर पीसेस अपोजिट बन जाएंगे तो हमने ये याद रखना, येलो को राइट पे, वाइट को लेफ्ट पे रखना है। अगर मेरा मेथड फॉलो करना तो ये करना पड़ेगा भाई, येलो को राइट पे, वाइट को लेफ्ट पे। और यहाँ सबसे पहले क्या था, क्या था, क्या था, गोबर, गोबर था ना। सबसे पहले हम ग्रीन बनाएंगे। अब ग्रीन बनाने के लिए एक बार मुझे मिल गई, बड़ा लकी केस है भाई। अगर एक बार मिल जाए तो उसको आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे कर देना है। क्या ये लेफ्ट है? नहीं, ये तो राइट है यार, राइट है ना, ये लेफ्ट है। और ये तो फ्रंट है यार, फ्रंट पे आ गया, ये रहा लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक और बार बनानी है, ये और ये वाइट येलो बन गए, अब इनसे हमारा कोई काम नहीं है। अब एक और बार बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये नज़र आया तो मैं इसको ऐसे करके इसके साथ अटैच कर दूंगा। अब हमारा आखिरी पीस है, ये रहा एक एल है। इस पीस को हमने, इस पीस को, ये मैंने उंगली रखी हुई है, इस पीस के साथ कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये पीस इधर है, इधर, तो मुझे वो पीस जो इसके साथ कनेक्ट होना है वो इस तरफ चाहिए, यानी कि इस तरफ। जब मैं इस तरफ ये पीस करूँगा, अब जब मैं इसको इसके साथ, मुझे दो दफ़ा राइट लेयर को ऊपर लाना पड़ेगा, अटैच किया, यू प्राइम किया, तो इसको अब मैं डायरेक्ट अटैच कर लिया। ओ यार, अभी तक हमने कौन सा एल्गोरिथम लगाया मुझे बताओ, कोई एल्गोरिथम नहीं लगाया, क्योंकि 4x4 एल्गोरिथम से सॉल्व नहीं होता यार। अच्छा, ग्रीन के बाद कौन सा था, हमने क्लॉकवाइज जाना है, हमने अब ग्रीन के बाद फ्रंट पे बनाना है सेंटर। ग्रीन के बाद क्या था, गोबर, यानी कि जी ग्रीन ओ ऑरेंज, यहाँ पे हमने बनाना है ऑरेंज। ऑरेंज कैसे बनाएंगे, एक लगा हुआ है इसके साथ एक को, जो लगा हुआ है ना उसको हम लेफ्ट में कर देंगे यार, ठीक है, लेफ्ट में कर दिया ना। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, मर्जी है। अब यहाँ एक और लगाना है, तो यहाँ पे जो लगाएंगे हम ये वाला लगाते हैं, चलो ये वाला। तो इसने इधर जाना, तो सबसे पहले इसको इधर लाना पड़ेगा ना, इधर। अब इधर आया तो इसके साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो पिछला ग्रीन ख़राब हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो हम इसको लेफ्ट में सेव कर देंगे और अपना ग्रीन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब ये है मेरा अगला पीस, इसको मैंने लाना टॉप में। मैंने आपको येलो सेंटर पीस को सॉल्व करते वक्त बताया था, जब हमने इस बार के साथ इसको अटैच करना है तो हम इस पीस को इस पूरी बार के ऊपर लेकर जाएंगे, मतलब इस बार को हमने पूरी को पीछे करना है। अब इसको हम यू करके यहाँ सेव करेंगे और बार को वापस करेंगे तो हमारे तीन सेंटर पीसेस लग गए होंगे। अब लास्ट सेंटर पीस है, अब ये एक एल केस है। अब एल के साथ, इसके साथ वाला यहाँ पे हमें चाहिए, क्योंकि जब हम इसको नीचे करके कनेक्ट करेंगे तो वो हमें यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए। अब ये यहाँ, तो अगर मैं इसको दो दफ़ा मूव करके यहाँ पे कर दूँ, अब देखना, अब इसको जब मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो ये ठीक हो गया। यू प्राइम करके, क्योंकि हमने दो दफ़ा राइट लेयर को घुमाया था, इसको वापस कर देंगे। क्या है मुश्किल, वाइट येलो को तो हम अब इग्नोर कर रहे हैं, गोबर में जी था ग्रीन, ओ था ऑरेंज, बन गए दोनों। अब है बारी बी की भाई, ब्लू बनाना है और लास्ट पे रेड ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि लास्ट टू सेंटर्स रह गए ना, चार तो हमने बना लिए हैं, वाइट येलो ऑरेंज ग्रीन, चार हमने बना लिए हैं, लास्ट टू रह गए। और तुम लोगों को पता है ऑरेंज के बाद क्या है, बोलो, बी, गोबर है ना, ब्लू, ब्लू यहाँ पे हमने बनाना है, ब्लू। सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है, आप लोग सबसे पहले एक बार बना के उसको लेफ्ट साइड पे सेव कर लें, जो कि पहले से ही बनी हुई है बार, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये बनी हुई है। अब यह है एक एल केस, तुम लोगों को ये केस तो सॉल्व करना आता है, आता है ना, मतलब अगर एल हो तो हमें यहाँ पे एक पीस चाहिए इस तरफ, जिसको हम इससे कनेक्ट कर सकें
और जब हम इसको ऊपर करेंगे तो हमारा सॉल्व, सारे सेंटर सॉल्व। लास्ट टू सेंटर्स के केसेस में कुछ ऐसे केसेस हैं जो आप लोगों को मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इस वीडियो की मदद से वो भी सॉल्व करना सीख जाओगे। उन केसेस को देखते हैं। हमारे चार सेंटर सॉल्व हैं, वाइट, येलो, गोबर के जी और ओ, और यहाँ पे बनना है बी यानी कि ब्लू। तो मैंने बताया था एक बार आप लोगों ने क्रिएट करनी है, एक बार यानी कि दो ऐसे कलर्स, और उसको लेफ्ट में कर देना है। अब इसके साथ जो पीस आना है ब्लू वो ये है, तो हम एक दफ़ा राइट लेयर को ऊपर करके इसको लेफ्ट में अगर हम सेव कर दें और इसको वापस करें तो हमारा बन गया ना। अब हम इसको एल बनाएंगे, एल, और अब इसको इसके साथ अगर ये यहाँ होता तो इसको हम यहाँ कर देते, क्योंकि हमें यही पोजीशन चाहिए, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाई एक केस ऐसा आ सकता है वाइट येलो सॉल्व है, गोबर का जी और ओ सॉल्व है, यहाँ पे हमने बनाना है बी ब्लू, तो भाई ये तो ऐसी ऐसी बार्स हैं, क्या करें अब हम तो डर गए भाई, क्या 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 कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं, क्या डरने की क्या बात है। सिंपल, तुम लोगों ने इस ब्लू को, क्योंकि यहाँ ब्लू बनाना है ना, तो हम इस ब्लू को इस ब्लू के ऊपर चढ़ाएंगे। देखना, यहाँ पे ब्लू बनाना है, इस ब्लू को सेम रखेंगे या रेड को सेम रखेंगे। अब इस ब्लू को इस पे चढ़ाएंगे, अब हम U2 करेंगे, ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट में कर लेंगे, और जब वापस करेंगे ब्लू सॉल्व, और जब ब्लू होगा तो R रेड ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। हमने 5 सेंटर्स ही सॉल्व करने होते हैं, आखिरी तो ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं बचती। और इसी के साथ सेंटर्स बनाने में दुनिया के जितने भी केसेस आते हैं, वो सारी पॉसिबल कंडीशंस जो सेंटर्स बनाने में तुम लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, वो सारी हल हो गई हैं। मुबारक हो, तुम लोग सेंटर्स के मास्टर बन चुके हो। सेंटर्स बनाने के बाद क्या भाई, सेंटर्स बनाने के बाद सबसे पहले तुम लोगों ने देखना है, बल्कि मैं इसको सॉल्व ना कर लूँ यार एक दफ़ा, चलो लाइव सॉल्विंग हो जाएगी, इससे पता लग जाएगा कि मुझे 3x3 भी सॉल्व करना आता है कि नहीं। बट अभी मैं कैमरे में देख के इसको ठीक से सॉल्व कर नहीं पा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले हमने देखना है कि क्या हमने अपने सेंटर पीसेस की कलर स्कीम सही बनाई है या नहीं। तो तुम लोग देख सकते हो वाइट और वाइट, इसके अपोजिट बनाया हमने येलो, फ्रंट पे अब गोबर वाला है ग्रीन, जी ओ बी आर गोबर, क्योंकि हमने इस 4x4 को 3x3 में कन्वर्ट करना है ना, तो अब हमने इसके एजेस को पेयर करना है। मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है वो 4x4 जो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, और ये है वो जो मैं अभी अभी लेकर आया हूँ। तुम लोगों को दोनों में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ, यहाँ पे हर दो एज का कलर सेम है, दोनों 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 का कलर सेम है। 12 के 12 एजेस, 4 ऊपर 4 इधर, दो दो ये, सबके कलर सेम है, जबकि इसमें कोई भी ऐसा एज नहीं है जिनके दोनों कलर सेम हो। हमने सबसे पहला स्टेप है, हमने सेंटर्स सेम 3x3 की तरह के करने हैं। अब दूसरा स्टेप है, हमने 3x3 की तरह हर एज का एक कलर करना है, और जब हम 3x3 की तरह हर एज का एक कलर कर लेंगे और हर सेंटर पीस को एक कर लेंगे, तो हम इसको फिर सेम 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। जितना आसान सेंटर से बनाना है ना, उससे आसान एजेस पेयर करना है, क्योंकि एजेस में तुम लोगों ने अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। एक छोटा सा एल्गोरिथम है, पहले हम वो एल्गोरिथम सीखेंगे और उसके बाद सीखेंगे एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम ऊपर लिखा आ गया है, स्लेज हैमर है, R'F R'F', स्लेज हैमर 3x3 में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, पेयर बनाओ, तो हम स्लेज हैमर लगाते हैं R'F R'F', और 3x3 में अगर इस पेयर को तुम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करना हो तो R U'R' करते हो ना, बस ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले स्लेज हैमर है, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके दिखा देता हूँ, R'F R'F', और उसके बाद तुम लोगों ने सिंपल इंसर्ट कर लेना है R U'R'। ये तुम लोगों को एल्गोरिथम याद करवा दिया मैंने, इस एल्गोरिथम को कहते हैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम की बेस पे सारे एजेस को पेयर कर देंगे, और ये इस दुनिया का आसान तरीन ट्यूटोरियल इसी बेस पे होने वाला है। अच्छा, एजेस कैसे पेयर कर रहे हैं ये तो बताओ भाई। मिसाल है, एक बड़ी मज़ेदार मिसाल तुम लोगों को देने लगा हूँ। ये मेरा एच पीस है, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे भी ब्लू करूँ और इसको सेम कलर का करूँ, ब्लू वाइट। मैंने एक दूसरा ब्लू वाइट देखना है भाई, यहाँ कहीं ब्लू वाइट है, इसका पार्टनर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ब्लू येलो है, बट हमें ब्लू वाइट चाहिए।
ये रहा, ये ब्लू वाइट और ये ब्लू वाइट, मैं क्या करूँगा इसी के सामने वाली लेयर में इसको इंसर्ट करूँगा। मैंने किया इंसर्ट इसकी सामने वाली लेयर में। अब देखो इसके बिल्कुल सामने ये आ गया है, तो हम इसको किसी भी तरह पेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके बिल्कुल सामने। हाँ, अगर यही चीज़ ऊपर होती यहाँ पर तो हम एक दफ़ा स्लाइस मूव करके इसको पेयर कर सकते थे, बट ये दोनों बिल्कुल सामने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा। ये दोनों सामने हैं, एक दफ़ा मैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा जो आपको सिखाया है, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, सिंपल इंसर्ट आर यू प्राइम आर प्राइम। अब ये तो यहाँ पर ही था और जो नीचे ब्लू वाइट था वो ऊपर चला गया, और अब जब मैं एक दफ़ा स्लाइस मूव करूँगा मैं उसको पेयर बना सकता हूँ। ओ यार, क्या टेक्निक थी। अच्छा, मैं यार अपने ट्यूटोरियल्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सच बताऊँ तो। अब हमने पेयर तो कर लिया भाई, हमने पेयर बना लिया, पेयर हमने कर लिया भाई। पेयर बनाने के बाद क्या, बाद में क्या करना है, तुम लोग सिंपली इसको इस पेयर से बदल दो। कैसे, इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करो, ये है ना, इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करो। इस पेयर को कैसे इंसर्ट करोगे, आर यू प्राइम आर प्राइम, जब उसको इधर इंसर्ट किया ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला गया। सबसे पहले अपने सेंटर पीसेस ठीक करो, या सेंटर पीसेस हमने ख़राब नहीं होने देने, और जो पेयर था वो टॉप में चला गया। सेम टेक्निक्स, बाकी के जो कुछ एजेस रह गए हैं नाम के एजेस, उन पे हमने लगानी है। जैसे मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी मिसाल देना चाहूँ, अच्छा ये हमने एक सॉल्व कर लिया। अब दूसरा देखो, ये बड़ा लकी केस है यार, ये बहुत कम दफ़ा होता है, येलो ब्लू और इसके सामने पहले ही येलो ब्लू है। तुम लोगों को पता है हम ऐसे कभी भी इसको पेयर नहीं कर सकते, हमें इसके डायगनल, हमें यहाँ पे ये वाला, हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे ना। अब देखो वो आमने सामने हो गए। अब जब हम एक दफ़ा फ्लिपिंग हम स्लाइस मूव करेंगे तो ये मेरा पेयर हो गया ना। अब क्या, मैं इस एज से इसको बदल दूंगा इस एच पीस से। ये तो एक तो पहले ही सॉल्व है। अब मैं इस एक ख़राब एच पीस से इसको बदलूंगा आर यू प्राइम आर प्राइम। टॉप पे हमारे दो सॉल्व हो गए भाई साहब, दो यार। इससे क्या क्या इससे बड़ी खुशखबरी तुम लोगों को सुनाओ। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं अगला यार ये सॉल्व करूँगा, ऑरेंज ब्लू। मैं ढूंढूंगा यार ऑरेंज ब्लू किधर है, तो मुझे पता लगा ना ये है ऑरेंज ब्लू, ना इसमें है ऑरेंज ब्लू, ये दोनों तो सॉल्व है। मैं फिर क्या करूंगा, मैं फिर इस और इस पीस में देखूंगा कि क्या ऑरेंज ब्लू है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। अच्छा, जब ना टॉप पे कहीं पे ऑरेंज ब्लू हो या जोन सा भी आप लोग कलर कर रहे हो, ना इन तीनों एजेस में कोई हो, तो आप लोगों ने क्यूब को एक दफ़ा इस तरह घुमा देना, यानी कि अभी येलो टॉप में था ना, तो वाइट को टॉप में कर लेना। और याद रखना कि हम ये पीस ढूंढ रहे हैं, तो ये यहाँ आ गया ना, ये यहाँ आ गया। अब मैं यही पीस ढूंढ रहा हूँ, इसको मैं लेफ्ट में रखूँगा। आपने हमेशा अपने एज को लेफ्ट में रखना है, ठीक है, जो भी आपने पेयर बनाना है। ब्लू ऑरेंज मैं यहाँ ढूंढना शुरू करूँगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इस ये रहा ब्लू ऑरेंज, इसके सामने इंसर्ट करूँगा। अब वही केस आ गया कि मुझे फ्लिप करना पड़ना, बिल्कुल आमने सामने है, मैं तो कभी भी इनको पेयर नहीं बना सकता। इसको मैं एक दफ़ा फ्लिप करूँगा, जो मैंने एल्गोरिथम सिखाया आप लोगों को, फ्लिपिंग एल्गोरिथम। अब देखो आगे ना ऊपर नीचे, अब एक स्लाइस मूव करूँगा, स्लाइस मूव किया, लेकिन अब मैं यहाँ के एजेस से नहीं बदलूँगा। ये एक प्रो टिप तुम लोगों को देने लगा हूँ, यहाँ के एजेस से नहीं बदलूँगा। क्यों नहीं बदलूँगा वो मैं आगे जाके बताऊँगा। तुम लोगों ने इसको ये नीचे वाले एजेस से बदलना, क्योंकि तुम लोग दो पहले यहाँ पे सॉल्व कर चुके हो। अब मैं चाहता हूँ मैं इस एज से बदलूँ, तो मैं इस एज को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। सबसे पहले अपना सेंटर्स ठीक करूंगा, मेरे ऊपर तीन एजेस पेयर हो गए और एक आखिरी रह गया। मैं सोच रहा हूँ अभी यार किसको पेयर करूँ, चलो यार मैं कौन सा, मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं, बट चलो मैं इसको पेयर कर लेता हूँ यार, येलो रेड। तो टॉप में तो तीन पहले से ही सॉल्व हैं, आखिरी में येलो रेड है, नहीं भाई रेड ग्रीन है, येलो ग्रीन है लेकिन येलो रेड नहीं है। अब मैं इन तीनों में देखूंगा क्या किसी इसमें येलो रेड कर रहे हैं ना, हम इस पर एक फिंगर रखेंगे, येलो रेड नहीं है, येलो रेड ये रहा भाई साहब। इसका मतलब ये इस ई लेयर में, इस लेयर को हम ई बोलते हैं, मतलब इसका साथ वाला पार्टनर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस केस में यह है।
इसका पार्टनर यह है, तो हम इसको सबसे पहले टॉप में निकालेंगे। टॉप में कैसे निकालेंगे, इस ख़राब पीस से हम इसको बदलेंगे। बदला, अब वो आ गया टॉप में, ये था हमारा वो पीस येलो रेड। इसके सामने हम इसको इंसर्ट करेंगे येलो रेड, और वो दोनों आमने सामने है। आपको पता है हमें आमने सामने नहीं चाहिए, हमें ऊपर नीचे चाहिए। एक दफ़ा फ्लिप करेंगे, फ्लिपिंग एल्गोरिथम से इसको स्लाइस मूव से पेयर करेंगे, और अपने आखिरी आखिरी क्यों, क्योंकि तीन तो पहले ही पेयर हो चुके हैं, अपने आखिरी वाले एज से, ख़राब एज से इसको बदल देंगे, सेंटर ठीक करेंगे। मैंने तुम लोगों को कहा था कि तुम लोगों ने एक ही फेस पे सबसे पहले चार पीसेस को पेयर करना है। तुम लोगों ने देखा था पहले हमने पेयर तो यहाँ बनाया था, बट हमने इंसर्ट यहाँ आके किया था। उसका अब फ़ायदा बताने लगा, क्योंकि ये चारों अब पेयर हो चुके हैं, अब इसको हम कर देंगे नीचे। नीचे कर दिया, अब हमें बार बार ऐसे ऐसे करने की नहीं ज़रूरत। हमने जब ये सॉल्व कर दिया, इसको नीचे कर दिया, अब हम यहाँ टॉप पे चार पेयर ईजिली पेयर कर सकते हैं, और वो पेयर हमारे इन चारों में या फिर इन चारों में होंगे। नीचे वाले चारों की टेंशन ख़त्म। अब मैं देखना चाहता हूँ, जैसे ये मैंने लेफ्ट पे एक पेयर को चूज़ कर लिया, भाई ये पेयर है ग्रीन रेड, तो मैं देखूँगा ऊपर ग्रीन रेड, ये रहा ये रहा ये ग्रीन रेड, इसको मैं इसके सामने इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट किया, और लकीली अभी ये बिल्कुल इसके सामने नहीं आया, बल्कि ऊपर नीचे आया। ऐसा हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल सामने ना आए, ऊपर नीचे आ जाए। ऊपर नीचे आ गया, अब तुम लोग इजीली डायरेक्ट इसको पेयर कर सकते हो। और इसको पेयर करते हुए लकीली हमारा एक और पेयर बन गया। तो मैं सबसे पहले इसको इस ख़राब एज पीस से बदलूँगा, वो ऊपर चला गया। अब इसको इस ख़राब एज पीस से बदलूँगा, वो भी ऊपर चला गया। अब अपना सेंटर ठीक कर लूँगा, तो हमारे दो एच पी सी सॉल्व हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो यार इसको सॉल्व करता हूँ, और इसका मुझे एच पीस चाहिए, और वो ये है, तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैं दोनों को ऐसे फ्रंट पर लाऊँगा। अब आपको पता है इसको मैं इसके सामने इंसर्ट करूँगा। जब मैंने इंसर्ट किया तो देखा, अच्छा वो बिल्कुल आमने सामने, हमें ऐसा केस नहीं चाहिए। हम शुरू से ऐसा केस आता है तो फ्लिपिंग एल्गोरिथम की बेस पे उसको फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप कर दिया, अब इनको हम पेयर बना सकते हैं, और इस ख़राब एच पी से हम इसको बदल देंगे। इस ख़राब एच पी से इसको बदल देंगे, ये हमने बदल दिया। उस एच पी को अंदर ये था ना, अब इस एच पी को इधर इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। अपने सेंटर्स को ठीक करेंगे, तीन एच पी सीज हमारे टॉप के पेयर हो गए। मैंने सोचा कि मैं इस एच पी को पेयर करूँगा ब्लू रेड। ब्लू रेड तो ऊपर तो एक ही ख़राब है, तो वो तो नहीं है, और नीचे के तो सारे सॉल्व है, मतलब नीचे भी नहीं है। तो अब ये यहाँ यहाँ या फिर यहाँ हो सकता है ब्लू रेड। मैं देखूँगा, इस पे उंगली रखूँगा और देखूँगा कहाँ, ये रहा ब्लू रेड, मतलब एक ही लेयर में है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, इसको हम ऊपर वाले किसी ख़राब एच पीस से बदलेंगे। इस पीस से मैं बदल रहा हूँ, तो ये टॉप में आ जाएगा, ये रहा, और हम ये आमने सामने लेकर आएंगे, और अब इसको इसके सामने इंसर्ट करूँगा। तो ये लकीली अभी ऊपर नीचे वाला ही केस है, जो हमें चाहिए, हमें सामने वाला नहीं चाहिए। एक दफ़ा स्लाइस मूव करूंगा, ये पेयर हो जाएगा, और हमारा आखिरी ये है ख़राब एच पीस। हमने फ्रंट पे एक ख़राब एच पीस, ये नहीं कि यहाँ रहते हुए तुम लोग इससे बदल रहे हो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सामने रहते हुए एक एच पीस लाना ख़राब, और अब इस एच पीस को इधर इंसर्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएगा। सेंटर्स को ठीक करेंगे। अब एक चीज़ नोट करना, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, और अगर क्यूब को पूरा घुमाते हैं तो ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। यार कितना, अभी मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ और मैंने कितना जल्दी कर लिया, मतलब कि आठ एजेस सॉल्व हो गए हैं, चार ये और चार ये, बचे ये दरमियान वाले, ये 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 और ये। अब हमने क्या करना है, ये दो एच पीसीस हम यहीं रहने देंगे, ठीक है, ये वाले हमने यहाँ वाले एच पीसीस को, या ये वाले, या तुम लोग सेव कर लो, तुम लोगों की मर्जी है, कोई नहीं। चलो हम ये दो सेव कर लेते हैं, और इन दोनों को हमने टॉप वाली लेयर में लेकर आना, ये हमारी टॉप वाली लेयर, क्योंकि अब लास्ट फोर एजेस रह गए, उसके बाद हमारा ये सेम 3x3 बन जाएगा। यार कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। तो मैं सबसे पहले इस एच पीस को ऐसे ऊपर करूँगा, ऊपर आ गया, क्या क्या मुश्किल था। अब इस पीस को एक दफ़ा साइड पर करूँगा, क्योंकि देखो ये ऐसे केस थे ना, जब मैं इसको ऊपर किया तो ये नीचे चला गया, तो इसको साइड पे करके इसको भी ऊपर कर लूँगा।
अब मैं एक दफ़ा यू मूव करके इधर भेजूंगा और जब मैं क्यूब को ऐसे रोटेट करूंगा तो ये दो ख़राब रह गए और ये दो ख़राब रह गए। मतलब अब हमारे टॉप पे दो ख़राब मज़ीद आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने मज़ीद दो पीसेस सॉल्व करके ऊपर के ख़राब पीसेस से बदल सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे यार मैंने कहा कि चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब लास्ट फोर हमारे एजेस हैं, बाकी पीछे भी सॉल्व है, आगे पीछे नीचे सब सॉल्व है, दो ये और दो ये ख़राब रह गए। मैंने सोचा ऑरेंज ग्रीन को करते हैं, तो ऑरेंज ग्रीन ये रहा, ये ऑरेंज ग्रीन, ये ऑरेंज ग्रीन, इसके सामने इंसर्ट करूंगा आर यू प्राइम, आर प्राइम से। अब इसको इसके साथ पेयर करूंगा, लकीली अभी आमने सामने नहीं आया, ऊपर नीचे आया, पेयर किया। अब इस ख़राब एच पीस को फ्रंट पे लाऊंगा और इस ख़राब एच पीस से इसको बदल दूंगा, यानी ऐसे, और अब सेंटर पीस ठीक करूंगा। हमारे रह गए लास्ट के तीन एजिस ख़राब। लास्ट के जब तीन एजिस ख़राब रह जाएं, जैसे ये एक, एक ये और एक ये, तो अब इनमें से तुम लोगों ने एक और एच पीस को सॉल्व करना है। जैसे ये रहा ग्रीन वाइट, मैं देखूंगा ग्रीन वाइट यहाँ कहीं है, नहीं है, ये रहा ग्रीन वाइट, तो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा इस ग्रीन वाइट के सामने, आर यू प्राइम आर प्राइम। अब ये आमने सामने आ रहा, हमें ऐसा केस नहीं चाहिए, हमने इसको फ्लिप करके नीचे लेकर आना, आ गया ना नीचे। अब ये देखो, अब मैं एक स्लाइस मूव करूंगा और जो आखिरी टॉप पे हमारा एच पीस रह गया है उसको इधर इंसर्ट करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व वाला ऊपर आ जाएगा, और अब इसको वापस कर दूंगा। जो ही तुम लोग इसको ऊपर करोगे तो लास्ट के दो एजेस बच जाएंगे, ये और ये। इस पे मैं एक दफ़ा उंगली रखता हूँ, ठीक है। अब मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि बाकी सारे सॉल्व हैं, एक दो तीन चार, ये चारों सॉल्व हैं, ये भी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, ये भी सारे सॉल्व हैं भाई साहब। बस ये दो ख़राब रह गए हमारे, ये दो एच पीसीज, आखिरी के दो एच पीसीज आखिर हमने कैसे सॉल्व करने हैं। मिसाल है, हो सकता है ये टॉप में हो, तो तुम लोग सबसे पहले तो इन दोनों को आमने सामने कर लो, क्योंकि ये आखिरी के दो एजेस बचे हैं और इस दुनिया में सिर्फ आखिरी दो एजेस पे हम अपने ही रूल को तोड़ देने लगे हैं। तुम लोगों को पता है अभी तक हम एजेस कैसे पेयर कर रहे थे, जैसे हम सबसे पहले लेफ्ट में एक एज देखते थे वाइट ऑरेंज, उसके सामने नहीं बल्कि उसके नीचे एक एच पीस लाते थे, जैसे ये ऑरेंज पहले नीचे, उसके बाद स्लाइस करके उसको पेयर कर देते थे और ऊपर किसी ख़राब एच पीस से बदल देते थे। बट अब ऊपर कोई ख़राब एच पीस नहीं है, तो तुम लोगों को ये वाहिद सिचुएशन है इस दुनिया की कि तुम लोगों को सेम पीस आमने सामने चाहिए। तुम लोगों ने इन दोनों में से बस एक पीस को सॉल्व करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे वाइट ऑरेंज के सामने मुझे वाइट ऑरेंज चाहिए, हालांकि पहले हमने पिछले 10 एजेस को ऐसे पेयर किया कि हमें आमने सामने नहीं चाहिए बल्कि इस तरह चाहिए, ऐसे डायगनल तो हम पेयर कर लेते थे, बट अब हमें आमने सामने चाहिए। अभी ये आमने सामने नहीं है, डायगनल है, ये बस इसी लास्ट टू एजेस में होता है। तो क्या हमने एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना, तो ये ऊपर फ्लिप होके आ जाएगा। बस ऑरेंज के सामने हमें ऑरेंज चाहिए और रेड वाइट के सामने हमें रेड वाइट चाहिए, अभी ऐसे हैं रेड वाइट और ऐसे हैं ऑरेंज, तो हम एक दफ़ा इस पर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे। फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाने से क्या हुआ, ऑरेंज वाइट के सामने ऑरेंज वाइट आ गया, रेड वाइट के सामने रेड वाइट आ गया, आपका कोई भी कलर हो सकता है। अब यहाँ पे तुम लोगों ने सोचना समझना नहीं है, बस इन दोनों को फ्रंट लेयर में रखना है, ऐसे फ्रंट लेयर में दोनों, ऐसा ना हो कि तुम लोग ऐसे लेफ्ट में रख के बैठे हो, फ्रंट में दोनों एजेस होने चाहिए, एक दूसरे के सामने सेम कलर वाला होना चाहिए, ठीक है। अब एक दफ़ा यहाँ से तुम लोग स्लाइस मूव करो, यानी ऊपर वाली दो लेयर्स को इस तरह यू प्राइम करो लेफ्ट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ भेजो। एक दफ़ा यही एल्गोरिथम लगाओ, फ्लिपिंग एल्गोरिथम, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम, और अपने सेंटर को ठीक करो और बूम, तुम लोग 4x4 सॉल्व करना सीख गए हो। रेड वाइट ऑरेंज वाइट पेयर हो गए, सारा क्यूब देख लो पेयर है तुम लोगों का। यार इससे आसान ट्यूटोरियल कहाँ मिलेगा। अब हम वीडियो के उस पार्ट में कि अगर तुम लोग इसको पकड़ के मतलब इधर उधर करोगे ना तो भी ये ख़राब नहीं होने वाला, बट आउटर लेयर से इनर लेयर्स को नहीं मूव करना। खैर तुम लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है, आखिर अब करना क्या, तो तुम लोगों को बताता हूँ ना। ये क्यूब सेम एक 3x3 बन चुका है, देखो ये सेंटर है हमारा एक कलर का वाइट, तो वो पूरा वाइट हो गया।
अब ये हमारा मिसाल है, यहाँ पे मैं तुम लोगों को सेम केस बना के दिखाऊं ताकि तुम लोग डर ना जाओ। ये है हमारा ऑरेंज वाइट, तो ये देखो ना ऑरेंज वाइट सेम हो गया, वो अपने सेंटर से अटैच है, तो यहाँ भी वो अपने सेंटर से अटैच है। ये देखो मतलब कि हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं तुम लोगों को मज़ीद आसान कर देता हूँ। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं क्रॉस, जैसे 3x3 में हम क्रॉस बनाते थे सेम उसी तरह हम क्रॉस बनाएंगे। अब ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है, तुम लोग बिगिनर्स मैथड से क्रॉस बनाते हो, एडवांस क्रॉस बनाते हो, बट सबसे पहले हम बनाएंगे क्रॉस। उसके बाद जोन सा भी मेथड से 3x3 को सॉल्व करते हो उसी तरह, जैसे ये कॉर्नर है और इसका एच पीस ये है, अगर F12 यूज़ करते हो तो तुम लोग F12 की तरह सॉल्व कर सकते हो। अगर बस सबसे पहले कॉर्नर्स को सॉल्व करते हो तुम लोग, तो मैं चलो तुम लोगों के लिए एक एक कॉर्नर पीस सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये कॉर्नर इधर आ गया, ये कॉर्नर ने इधर जाना है, आखिरी कॉर्नर ने इधर जाना है, हमारी सॉल्व हो गई फर्स्ट लेयर और क्रॉस भी हमारा कंप्लीट है। अब ये एच पीस ने इधर जाना है भाई इधर, तो मैं वहाँ पे इंसर्ट करूँगा भाई। 3x3 हम सॉल्व कर रहे हैं, अब इसने इधर जाना है तो भाई उधर इंसर्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे ये फ्लिप है, तो हम सबसे पहले टॉप का कोई एच पीस इधर इंसर्ट करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है बाहर आ गया, ये पीस था, अब इसने इधर जाना है तो मतलब यार 3x3 समझ रहे हो ना, और ये लास्ट पीस है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम क्रॉस बनाएंगे, टूल को एल एल में यूज़ करने लगूँ। सबसे पहले क्रॉस बनाएंगे, जैसे एक सेकेंड यार, तुम लोगों को मैं 3x3 के रेफरेंस से समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये पार्ट समझ नहीं आता ना शुरू शुरू में। जैसे ये देखो ये एल केस है ना, एल केस, तो ये भी एक एल केस है, तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं हम क्रॉस बनाते हैं, वैसे हम इसमें भी एक क्रॉस बना देंगे। उसके बाद हम भाई ये देखो ये केस, इसमें तुम लोगों को ये केस बना के दिखाता हूँ, ये केस कुछ कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। ये लो भाई जैसे इसमें सॉल्व करते थे वैसे इसमें सॉल्व कर, अगर तुम लोग एक एल्गोरिथम से करते थे तो एक एल्गोरिथम से कर लो। अब यहाँ पे हमने हर तरफ हेडलाइट्स को लेफ्ट पे रखते थे, हेडलाइट्स बनाते थे, और उसके बाद हम मैं टू लुक ओएलएल टू लुक पीएलएल यूज़ कर रहा हूँ ना, उसके बाद मैच करके हम आखिरी एजेस को सॉल्व कर लेते थे, और हमारा 4x4 सॉल्व। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार खबर है यार, जो नए टास्क आए ना उसको इंजॉय किया करो, ऐसे माहौल ना ख़राब करो। एक केस रह गया आखिरी जो तुम लोगों को देखने में आ सकता है लास्ट लेयर में। तुम लोगों को पता है 3x3 में जब हम टॉप पे क्रॉस बना रहे होते हैं तो हमें तीन तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, या तो डॉट या एल या फिर लाइन, बट ऐसा केस कभी भी देखने को नहीं मिला कि ये सिर्फ एक के टॉप में येलो हो, मतलब कि इस तरह सिर्फ एक के टॉप में येलो ये, या फिर तीन के टॉप में येलो हो। ऐसे केस में चाहे ये हो चाहे ये हो, हम चलो इसको ले लेते हैं, दोनों केसेस को सेम तरह से हमने सॉल्व करना है। एल्गोरिथम ऊपर लिखा हुआ है, एल्गोरिथम से डरना तो डर जाओ, लेकिन तुम लोगों को समझा देता हूँ। आर डब्ल्यू का मतलब क्या है, यानी कि ये राइट वाली दो लेयर्स, एल डब्ल्यू का मतलब क्या है लेफ्ट वाली दो लेयर्स, यू का मतलब आप लोगों को आता है ऊपर वाली लेयर, यू टू हर जगह यू टू ही होना है। अच्छा ऐसे केस में आप लोग सामने कोई भी एच पीस रख सकते हो ना, कोई भी, और ये एल्गोरिथम लगाना है। बट तुम लोग सोच रहे होंगे आर डब्ल्यू यू टू के बाद एक्स लिखा हुआ तीसरे नंबर पे, एक्स का क्या मतलब है? एक्स का मतलब है ये जो येलो है ना इसको बैक में कर देना तुम लोगों ने, बताता हूँ। अब देखो मैं बहुत आराम आराम से एल्गोरिथम लगाऊंगा, आर वाइड यू टू एक्स, इसको कर दिया बैक में, आर वाइड यू टू दोबारा आर वाइड यू टू आर वाइड प्राइम यू टू एल वाइड यू टू आर वाइड प्राइम यू टू आर यू टू आर वाइड प्राइम यू टू आर वाइड, बन गया ना, बन गया ना लाइन केस, बस यही था। अब तुम लोग क्रॉस बना लो अपना, सेम इस केस में भी इसको फ्रंट पे रख लो या किसी को भी फ्रंट पे रख लो, और वो सेम एल्गोरिथम लगाओ। मैंने इस पे स्लो करके दिखा दिया, ठीक है ना, अब तुम लोग उसको फॉलो कर सकते हो, और अपना टॉप पे सून करके टॉप पे सारा येलो ले आओ।
लेकिन भाई ये क्या, हमने सॉल्व कर लिया भाई, टॉप पे येलो कर लिया। ऐसा केस तो हमें कभी 3x3 में देखने को मिला ही नहीं। मतलब 3x3 में तो या तो लास्ट के 4 एजेस ठीक होने होते थे तो हम उसको एक एल्गोरिथम से सॉल्व कर लेते थे, या फिर लास्ट के 3 एजेस ने सॉल्व होना होता था, एक बैक में सॉल्व होता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट के 2 एज ही रह जाए। बट यहाँ पे क्या, लास्ट का 1 एज और 1 एज इधर यानी 2 एज, और यहाँ पे लास्ट के सिर्फ 2 एजेस, यानी दोनों केसेस सेम है। इधर भी 2 एजेस रहते हैं, इधर भी 2 एजेस रहते हैं, यहाँ पे पास पास वाले हैं जबकि यहाँ पे अपोजिट है। दोनों में से कोई भी एक लेंगे और तुम लोगों के ऊपर एक छोटा सा एल्गोरिथम है। स्मॉल आर का क्या मतलब है? स्मॉल आर का मतलब है ये वाली लेयर, ये यानी कि स्मॉल आर टू, यानी कि इसको हमने 2 दफ़ा घुमाना है। और U2 का तुम लोगों को पता है, और UY2 यानी कि ऊपर वाली 2 लेयर्स। अब एल्गोरिथम देखो, किसी भी तरफ से होल्ड कर लो, और अब स्मॉल R2 U2 स्मॉल R2 UY2 यानी कि ऊपर वाली 2 लेयर्स स्मॉल R2 UY2 हो गया ना सॉल्व। और ये आखिरी केस था, इस पे भी दिखा देता हूँ। चलो पास पास वाले हैं तो क्या, यहाँ पे ही रख के स्मॉल R2 U2 स्मॉल R2 UY2 स्मॉल R2 UY2। और अब ये तुम लोग इसको जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर सकते हो, UB पर आई थिंक, और सॉल्व हो गया। अगर तुम लोग पैरिटीज को याद करना चाहते हो, सॉल्व करना नहीं, इस वीडियो को देख के तो तुम लोग पैरिटी को, एल्गोरिथम को ऐसे देखकर सॉल्व कर लोगे, याद नहीं होगा। अगर याद करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एल्गोरिथम याद कैसे करना है मैं नीचे लिंक डाल दूंगा 4x4 पैरिटी ट्यूटोरियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में, वो देखो। तुम लोग वो वीडियो को देखते ही एल्गोरिथम को याद कर पाओगे, मतलब तुम लोगों को फिर बार बार मेरी वीडियो खोल के एल्गोरिथम देखने की जरूरत नहीं। वो वीडियो 3-4 मिनट की है, वो तुम लोग जो ही देखोगे तुम लोगों को एल्गोरिथम दोनों पैरिटीज के, येलो को टॉप में लाने वाला और दो दो एजेस सॉल्व करने वाले, जो दो पैरिटीज दिखाई है ना, दोनों तुम लोगों को याद हो जाएंगी, और उसके बाद कभी भी एल्गोरिथम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ ही भाई सब हम जा रहे हैं। मेरा फ़र्ज था तुम लोगों को 4x4 सिखाना, यार मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ, ये तुम लोगों को मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम लोगों से 4x4 सॉल्व नहीं हुआ तो माजरत के साथ तुम लोग इस क्यूब को किसी वीडियो को देखकर सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। 3x3 सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना यार, साथ बने बेल आइकन को भी दबाना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, टिकटॉक पे भी फॉलो करो, मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।